म साई राम मेरा नाम शशि बाला श्रीवास्तव मैं थाने से आई हूँ और बाबा को तो ऐसे में बचपन से जानती थी पर उनको उतना नहीं मानती थी अपने जैसे सब भगवान को मानते हैं वैसे मैं भी उनको ही मानती थी मंदिर में जाना दर्शन करना गुरुवार को ये सब करते थे और दो हजार ऐसा हुआ कि दो हजार नौ में, में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी हद से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता पूरा टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाया बीमारी कुछ नहीं निकली उसके बाद में फिर धीरे धीरे मेरी मतलब साइपेट से मेरी दवा चालू हुई फिर मुझे कुछ भी आराम नहीं हो रहा था बहुत चक्कर आता था तो 2019 में मैंने सोचा कि चलो शिरडी जाके आते हैं तो शायद वहाँ से सब बोलते हैं आराम होता है ऐसा तो हम लोग आए मैं आई थी और मेरे दोनों बच्चे थे हसबैंड और मेरे भाई के बच्चे लोग लग लखनऊ से आए थे दो थे हम लोग आए तो हम पहली बार आए थे तो हमको कुछ पता नहीं था कि कहाँ होटल है कहाँ क्या है कुछ हमको पता नहीं था फिर हम लोग ने आके यहाँ पे लिया डेढ़ हजार में वो भी चौबीस घंटे के दिए वो लोग उसके बाद हम लोग नहा धो के आए बाबा को दर्शन करने के लिए पहली बार मैं आई थी तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था तो मतलब लाइन में इंतजार करते रही करते रही कि मैं बाबा को बोलूंगी मुझे ठीक कर दो मैं बाबा को बोलूंगी मुझे ठीक कर दो लेकिन जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा ना तो मुझे मतलब बाबा का वो चेहरा नहीं दिखा वो मुझे सब ये सोना दिखा मुझे लगा बाप रे मतलब सोने की मंदिर है ऐसा मेरे मन में आया फिर मुझे बाबा का दर्शन ही नहीं हुआ उनके जगह पे ऐसा मतलब कुछ लग रहा था कि सोने जैसा सब चमक रहा है सब लोग को दर्शन हुए बस मुझे ही दर्शन नहीं हुआ हम लोग बाहर आए उसके बाद मैंने बोला कि कैसी बाबा की मूर्ति है आ, आ और हम लोग दर, दर्शन करने के लिए जाते हैं वो तो कैसी मूर्ति रहती है ये बाबा की मूर्ति कैसी है वो तो सब लोग बोले कि मूर्ति संगेम मरमर की है सोने का अपना सिंहासन है और ये सब सोने का है पर बाबा की मूर्ति संगेम मरमर की है मैं बोली नहीं बाबा सोने जैसा दिख रहे थे अभी मैंने जो देखा वही फिर हमारा झगड़ा हो गया उधर मेरे भाई के बच्चे लोग भी बोल रहे थे नहीं बुआ ऐसा नहीं मोती थी बाबा की तो हमने ना द्वारका मैं किसी का हम लोग ने दर्शन नहीं लिया ऐसा लगा कि कोई बोलता जाओ यहाँ से तो हम लोग वापिस तुरंत ही आए रूम पे और वापिस चले गए वापिस चले गए तो तबियत तो मेरी खराब ही थी बहुत ज्यादा तो उसके बाद में फिर ऐसे ही घर में लेटी थी एक दिन तो मेरे बगल का लड़का था एक सतरठा साल का तो आया मेरे पास बोलता है आंटी मैं बोली क्या हुआ तो बोलते हम लोग शिरडी गए थे और साई बाबा का मूर्ति लेकर आए हैं तो मैंने उनको बोला कि ऐसा बेटा अब मैं यहाँ पे ऐसा लेटी थी और वो मेरे सामने बैठा था और बाबा का मंदिर में से मेरे पीछे था मतलब जो हमारा घर का मंदिर पीछे था और मैं ऐसा लेटी थी तो फिर वो लड़का बोला ये मूर्ति लाया हूँ शिरढ़ी से बाबा को स्थापित करना है मंदिर लाना है तो मैंने उन पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि बाबा का जब वो करना तो स्थापना करना तो उनको जो भी तेरे घर में बनेगा नमक रोटी कुछ भी उनको भोग लगाना फिर वो चला गया फिर रात को अपना सोए तो सपने में क्या देखती हूँ जैसे मैंने उसको बोला था मेरे पीछे मंदिर था वो मेरे सामने कुर्सी पे बैठा था तो वैसे ही मैं कुर्सी पे बैठी हूँ और ऐसा बेड है तो बाबा इधर बैठे हैं इधर और उनका मुंह मंदिर के तरफ है और उनके सामने एक औरत बैठी है उसको बोल रहे है कि बेटा मैं तेरे घर पे ना दस साल से हूं तो मुझे ना इतना छोटा सा खिलौना समझ के लाई थी और मंदिर में तो रख दी पर मैं ना तो कभी मेरी पूजा की ना तो मुझे कभी नहीं पूजा तो करती है दोनों टाइम ना तो तूने मुझे खाना दिया ना तो पानी दिया तेरे घर पे मैं दस साल से भूखा प्यासा हूं इतना मैंने देखा सपने में सुबह मैं सबको बताने लगी कि मैंने ऐसा ऐसा देखा सपने में तो सब लोग हाँ करके ऐसे रह गए तो बेटा मेरा कुछ चौदह पंद्रह साल का था तो उसको मैंने बोला तो वो बोलता है मम्मी सब क्या है सब ढकोसला है सब कुछ नहीं है भगवान है तो मुझे क्यों नहीं दिखते हैं उसने ऐसा बोला फिर उसके बाद में दूसरे दिन उसको उसका संडे था छुट्टी था स्कूल का तो मैं उसको उठा रही हूँ कि बाबू वो चाय वाय पी ले मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है वैसे भी एक ही बार में सब काम हो जाएगा कैसे भी तो फिर वो उठ ही नहीं रहा था खाली बार बार बोलता मम्मी मेरा हाथ देखो मम्मी मेरा देखो हाथ के ऊपर क्या है मैंने सोचा बुखार है क्या है उसको तो मैंने चेक किया मैं बोली बुखार नहीं है वो तो ब्रश कर और चाय वाय पी नाश्ता कर उठा वो ब्रश किया फिर मेरे साथ में नाश्ता करने के लिए बैठा फिर वो जो है फिर मेरे को बोला कि मम्मी मेरा हाथ देखना फिर मुझे थोड़ा डर लगा कि कहीं मतलब गिर गया है क्या हो गया है बार बार हाथ दिखाने के लिए बोल रहा है तो मैंने देखा बोली कहीं दर्द हो रहा है क्या बोलता है नहीं मम्मी मेरे हाथ के जो रोए है, है ना उसको देख तो मैंने देखा तो उसके रोए जो है ना खड़े हो रहे थे तो बोली ठंडी लग रही है बोलता है नहीं मम्मी सॉरी मम्मी आज के बाद में मैं कभी भगवान किसी भगवान को भी ऐसा नहीं बोलूंगा मैं बोली क्या हुआ तो बोलता है मम्मी मैंने देखा कि सब अपना पूरा परिवार सिर गए हैं और समाधि मंदिर में कोई नहीं है सिर्फ बाबा है जिधर समाधि बाबा की बनी है उधर ऐसे वो राउंड राउंड तकिया होता है ना वो इस पर टेका लगा के ले हैं तो मैंने पर चु... तो बोलता है कि उधर आप गायब हो गई आप किधर चली गई पता नहीं खाली दीदी मैं और पापा हम तीनों ही थे मंदिर में फिर उसके बाद मेरी तबीयत खराब ही रहती थी फिर डिप्रेशन में इतना जा चुकी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या सही है क्या गलत है क्या करूँ क्या नहीं करूँ मैंने तांत्रिक ये वो ये दवा चालू था इतना चक्कर आता था सिर का एम आर आई सब कुछ करवा चुके कुछ आराम नहीं कुछ बीमारी नहीं निकली फिर गणपति हमारे घर में बिठाते हैं और तो मेरा हस्बैंड बोले बारिश बहुत हो रही थी बोले मैं घर में कलर कर लेता हूँ तो घर का अपना साफ सफाई कर ले मे से हो ही नहीं रहा था काम ही नहीं हो रहा था तो गुस्से में मैं बोली और वो मूर्ति सचमुच जो बाबा बोले दस साल पहले का वो बीच में मैं बोल गई इतनी बड़ी मूर्ति है लोकमान नगर वर्तक नगर मेला लगता है वहाँ पे वो ठेले पैसा बेचते हैं वो पूरा किरकिरी उसका चमक रहा था उस सच में वो खिलौना समझ के मैं लाई थी तो मैंने मंदिर के ऊपर रख दिया था और खाना पानी नहीं देती थी वो बात सच है जो बाबा ने सपने में दिखाया फिर उसके बाद में मैं बोली मैं कुछ काम नहीं करूंगी ना तो गणपति आएगा घर में कुछ भी नहीं होगा जब मुझे आराम ही नहीं है सब कुछ करके मैंने देख लिया जब मुझे, मुझे मरना ही है तो किसी का पूजा पाठ करके कुछ फायदा नहीं है फिर भी रोए रोते गई धीरे धीरे काम करते गई काम हुआ गणपति भी आया सब कुछ हो गया गणपति की मतलब वो भी हो गई विसर्जन भी हो गए गणपति पप्पा उसके बाद में मेरी इतनी तबीयत खराब हुई हद से ज्यादा एकदम एडमिट करने का नौबत आ गया फिर मुझे लेके गया एडमिट करने के लिए चेकअप वगैरह हुआ तो डॉक्टर बोले इनके पेट में गाठ है फिर वो बोले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑपरेशन करना जरूरी है अभी डॉक्टर जो है बोले पौने दो लाख का खर्चा आएगा और मुझे सरकारी हॉस्पिटल में डर लगता है उस समय मेरे पास ज़्यादा नहीं कुछ तीस चालीस हजार के लगभग था वो जो था हमारे चेकअप में ही चला गया उसके बाद में मैं एडमिट हो गई डॉक्टर बोले कि इतना खतरनाक ऑपरेशन है कि कुछ भी हो सकता है इनको हम गारंटी नहीं ले सकते आप लोग सब लोग यहाँ पे तैयार रहना लेडीज नहीं रहेगी तो चलेगा लेकिन जेंट्स का रहना बहुत ज़रूरी है फिर जब ऑपरेशन थिएटर में जाने लगी फिर अपने बच्चों को देख के मुझे रोना आ गया मैं मुझे, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा और उसके पहले बाबा ने सपने में मुझे दिखाया था कि क्यों रो रही है मैं हूँ ना तेरे साथ में तो फिर मैंने बाबा का उदी थोड़ा माथे पे लगाया थोड़ा जीप के रखा और ऑपरेशन थिएटर में चली गई ऑपरेशन हुआ चौबीस घंटे के बाद में जब मुझे होश आया फिर मुझे जो है वार्ड में लाए फिर डॉक्टर आए सिस्टर भी आए मैडम भी आई बोले श्रीवास्तव इतना आपका ऑपरेशन इतना खतरनाक था इतना अच्छे से हो गया कि मैं बता नहीं सकती उसके बाद में डॉक्टर भी आए बोले कि इतना चीज आपके लिए एडवांस में लाके रखे थे किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ा बोले ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ चल रहा है ठीक है अब आया मुझे लगा कि एक हफ्ता रखेंगे हॉस्पिटल में तब तक कहीं से अपना पैसे का हो जाएगा नहीं हुआ कि दर्द से भी पैसे का इंतजाम डॉक्टर आए दूसरे दिन चेकअप करने के लिए बोले गुरुवार के दिन परसों आपको डिस्चार्ज कर दूंगा सोमवार को ऑपरेशन हुआ था मंगलवार बुधवार को आए बोले कल हाँ मंगलवार को बोले परसों को डिस्चार्ज कर दूंगा गुरुवार को तो फिर अभी हमारे पास पैसा नहीं अभी इधर हाथ पैर से लाए उधर हाथ पैर से लाए कहीं से पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा था एक लाख तीस हजार हाथ पे चलता बिल भरने का था उसके बाद में जो पहले था वो चेकअप में चल रहा था फिर सबसे मांगे सब लोग ने बहाना बनाया ये किया वो किया फिर मैं बोली अब आखिरी रास्ता जो अपने पास एक दो सामान है उसको एक बेसे दो और क्या करेंगे उसके बाद में जिस दिन रिश्चार्ज होने का था उस दिन सुबह दस बजे कोई बोलता मेरे से पचास हजार ले लो कोई बोलता मेरे से दस हजार ले लो कोई तो लोन करा के मुझे दे के गया हॉस्पिटल में जितना मेरा बिल था उतना पैसा सब लोग ला के हॉस्पिटल में कोई अल्लाह दिया कोई ला के दिया हम लोग ने बिल दिया और आ गए घर पे ये तो पहला है कि बाबा ने मेरी जान बचाई उसके लिए मैं तो जिंदगी भर मतलब ये करूँ तो बाबा को मैं नहीं बुला सकती हूँ और अभी फिर से मेरा तबीयत खराब रहने लगी थी मेरे पित्त के थैली में स्टोन था तो चेकअप होते रहता था दवाई खाते रहती थी ये वो ये हुआ कि ऑपरेशन दिसंबर के बाद में होगा मेरी बेटी की सगाई थी ग्यारह दिसंबर को तो उसमें भी खर्चा आएगा तो वो हो जाएगा तभी हम लोग ऑपरेशन कराएंगे तो पता नहीं क्या हुआ अगस्त में ही पता नहीं अचानक ही सब लोग बोले अभी ऑपरेशन करा लेते हैं अचानक ही हुआ कि ऑपरेशन करा लेते हैं ऑपरेशन कराए थैली निकली स्टोन था वो था वो एक स्टोन नली के अंदर चला गया था वो पूरा पक गया था डॉक्टर बोले ये पंद्रह दिन की और मेहमान थे बाबा ने दूसरी बार मेरी जान में चढ़ी फिर मेरी बेटी का सगाई तो हुआ बहुत धूमधाम से हुआ अच्छे से हो गया सगाई होने के बाद में फिर कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से भी ये हुआ कि शादी नहीं होगा फिर मुझे इतना टेंशन हुआ कि इतना मैंने खर्चा किया गांव से मेहमान आ गए सब कुछ हो गया अभी क्या होगा क्या नहीं होगा सब लोग बोलते है अरे तुम्हारे बाबा को अरदास लगाओ ना तुम्हारे बाबा को ये करो ना अभी मैं किसको क्या बोलू कोई तो बोलता है कि अगर शिरढ़ी जाने से सब अमीर हो जाते तो सब शिरडी ही जाते सब लोग बहुत जन ने बहुत कुछ बोला मैंने किसी को कुछ नहीं बोला मैं यही बोली बाबा जो है मैं शीर्डी जब ही आऊंगी तभी जब मेरी बेटी का कुछ हो जाएगा नहीं तो मैं जब लड़का देखने के लिए गई तो उनके घर में आपका फोटो था आपके सामने शादी का बात हुआ जब वो लोग मेरी बेटी को देखने के लिए वहां पर आप मौजूद थे वहां पे भी आपका मूर्ति था फिर अगर इतना मेरा नुकसान होना ही था वो अच्छा नहीं था हम लोग के लिए तो आपने इतना करवाया तो पहले ही कुछ आरक्षण लगा देते ऐसे ही अपना मतलब मैं उनको बोलती रहती थी फिर मतलब टेंशन बहुत हो गया कि चार पांच लाख रूपया मैंने खर्चा किया इज्जत गई अलग से सब लोग क्या बोलेंगे शादी नहीं हुई ऐसे ही मैं रोती और बाबा को बोलती और ये भी बोली मैं शिवडी नहीं जाऊंगी फिर एक दो महीना बीता दो तीन महीना बीता कि मेरा मन छटपटाने लगा शिवडी आने के लिए मैं बोली नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी और जाऊंगी तो फिर झगड़ा भी करूंगी नहीं मेरे मन में था फिर से अचानक उन लोग का फोन आया बोले चलो ठीक है अभी ये साल में शादी नहीं एंगेजमेंट हो गया है आपका भी नुकसान होगा मुझे भी मेरा भी नुकसान होगा मेरे भी रिश्तेदार आसेंगे आपके भी रिश्तेदार आसेंगे जो है और फिर अभी बोले है वो लोग जनवरी के बाद शादी करने के लिए ये भी बाबा की कृपा है बाबा तो मेरे लिए सब कुछ है मेरी साई साई बाबा मेरे साई मेरा विश्वास